नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन डिवाइव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको वाइबैक्ट सैचेट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये जो वाइबैक्ट सैचेट मार्केट में आता है, यूएसपी कंपनी का आता है, 0.5 ग्राम के सैचेट में ये आता है। ये जो सैचेट रहता है उसकी कीमत रहती है 37 रुपीज़ 98 पैसा, यानी 37 रुपये और 98 पैसे। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले यह दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। यह दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो दोस्तों ये जो वाइबैक्ट सैचेट मार्केट में आता है, मेनली ये इन्फेक्शियस डायरिया के लिए यूज़ की जाने वाली दवा है। दोस्तों अगर आपको डायरिया की शिकायत है बिकॉज ऑफ द वायरल और प्रोटोजोअल एंड बैक्टीरिया की वजह से आपको डायरिया की शिकायत है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए ये दवा दी जाती है। अल्सो यूजफुल इन द लैक्टोज इंटॉलरेंस, आपको इंटॉलरेंस हो गया है लैक्टोज का, या फिर अलॉन्ग विद द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, आपको कुछ रिहाइड्रेशन हो गया है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, आपको एंटीबायोटिक की वजह से कुछ डायरिया की शिकायत हो गई है। क्या हो जाता है दोस्तों, आप एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक लेने से आपको डायरिया की शिकायत हो सकती है, हो जाती है। तो जो डायरिया होता है एंटीबायोटिक की वजह से, उससे छुटकारा पाने के लिए ये वाइबैक्ट सैचेट यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर डायरिया हो गया तो उसके छुटकारा पाने के लिए भी ये सैचेट यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये जो वाइबैक्ट सैचेट मार्केट में आता है, इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे। इसको प्री एंड प्रोबायोटिक सैचेट भी बोला जाता है। तो इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाला है। दोस्तों इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस एंड लैक्टिक एसिड, दोस्तों ये टोटली कंटेंट से बनी दवा है। बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या है जिसको प्री प्रोबायोटिक सैचेट बोला जाता है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, ये दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों ये दवा की वजह से आपको वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, नौसिया की शिकायत हो सकती है, हेडेक की शिकायत हो सकती है, डिजीनेस भी आ सकता है, और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नज़र आती है, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है, कैसा यूज़ करना है। जनरली दोस्तों इसको 3 टाइम इन अ डे, दोस्तों ये जो सैचेट आता है इसको एक एक सैचेट करके दिन में से 3 सैचेट लेना है, 3 बार लेना है, 3 सैचेट इन अ डे। तो दोस्तों आपको जो एंटीबायोटिक की वजह से जो डायरिया की शिकायत है, उससे छुटकारा पाने के लिए बेहतरीन दवा है। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।